नॉर्मल से ही है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा। तो हम निकल चुके हैं मथुरा के लिए और मैं हूँ मथुरा की गलियों में और यहाँ से मैंने लिया है एक ऑटो मथुरा से और यहाँ से जा रहा हूँ मैं प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर जाने के बाद वहाँ मेरा दोस्त कर रहा है इंतज़ार और वहाँ उससे जाके मिलूँगा उसके बाद फिर नहाऊँगा धोऊँगा खाना पीना खाऊँगा उसके बाद ही घूमूंगा भाई क्योंकि उससे मैं बहुत थक गया हूँ। दो दिन से सफ़र कर रहा हूँ लमसम बालूतरा से आया हूँ बालूतरा से यूपी फिर यूपी में मथुरा और यहाँ मेरा और मुझे मेरा फ्रेंड मिल चुका है। यह अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के एक आश्रम है वहाँ पर मिल गया तो हम लोग यहाँ पर आएंगे थोड़ा खाना वाना खाएंगे और इनके दर्शन करेंगे थोड़े इनके भाष प्रवचन सुनेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्टे करेंगे मतलब घंटे दो घंटे जितना भी दिन अगर मैं चाहूँ रह सकता हूँ फ्री है फ्री ऑफ कोर्स है। खाना यहाँ मिल जाता है दो तीन पूरा सब्ज़ी मिल जाती है और अभी मैं हूँ यहाँ प्रेम मंदिर पर एंटर कर रहा हूँ। ये देखो ये वही मशहूर प्रेम मंदिर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और भारत भर के सबसे ज़्यादा मतलब झांके बनी हुई है भगवान कृष्ण के रिलेटेड सारी झांके यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि वो शेषनाग का मर्दन करते थे वहाँ पर कुछ कालियानाग का मारा हुआ था तो वो यहाँ पर है वो कालियानाग वहाँ दिख रहा है झांकियों में और डांस कर रहा है भगवान उसके ऊपर। मेरा कैमरा खैर है नहीं मोबाइल से बना रहा हूँ तो इतना कोई खास आएगा नहीं और थोड़ी प्रॉब्लम होगी बस देख लेंगे और फिर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पास से। ये रहा वो नज़ारा जो मैं बोल रहा था आपको कि वहाँ का कालियानाग के ऊपर भगवान कृष्ण ने मारा था वहाँ एक झांके ये रही। अभी मैं और भी घूमूंगा ना तो चारों साइड ही कुछ ना कुछ बना हुआ है मतलब कोई ना कोई झांकी भगवान से रिलेटेड है। और ये प्रेम मंदिर के जब आप देखोगे ना नाइट को आओगे तो लाइट रहती है नाइट में आने का ही यहाँ पर अच्छा लगता है मतलब नाइट में आओ ना तभी आपको अच्छा लगेगा लाइट लाइटिंग दिखेगी बाकी दिन में आने पर इतनी कोई लाइटिंग दिखती नहीं है। तो मैंने तो सोचा कि दिन में आ जाता हूँ पर दिन में इतना अच्छा लगता नहीं पर नाइट में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर नाइट पे आया हूँ घूमने के लिए मेरा फ्रेंड साथ में और रजत है वो मुझे लेके आए नाइट पे। तो मैं यहाँ पर राउंड मारता हूँ राउंड मारने का दिखाता हूँ मतलब हर जगह कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई है कुछ लिपियाँ बनी हुई है और लाइटिंग का ये लाइटिंग देखिए आपको ऐसी ही लाइटिंग यहाँ पर हमेशा होती रहती है नाइट को। तो ये लाइटिंग देखने के लिए लोग ज़्यादातर रात में ही आते हैं दिन में आते हैं पर इतने कम आते हैं मतलब दिन में आने के बाद नाइट में एक बार आते ही आते हैं। और यहाँ हर जगह पे मतलब 10-20 मीटर में या 2-3 मीटर पे झांकी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को रथी बने हुए हैं वो दिखाया गया है गोपियों के साथ यहाँ डांस कर रहे हैं मतलब रासलीला रचाते थे ना उस समय तो वो डांस या नृत्य कर रहे हैं। और प्रेम मंदिर यहाँ से देखने में तस्वीर ये मेरा दोस्त है रजत इसके साथ ही घूम रहा हूँ। ये गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए एक झांकी है बड़ी ही प्यारी मनमोहक लग रही है बट मेरा कैमरा इतना कैपेबल नहीं है उसके बाद भी मैं बना रहा हूँ ठीक है थोड़ा क्वालिटी से एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं यार अच्छी भी तो लगती है काफ़ी चीज़ें। और फिर इसके बाद मैं